हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं एक टूर्नामेंट का सेमीफाइनल्स जो कि है आरए का, और ये डे टू चल रहा है। डे वन ऑलरेडी हो चुका है 4-5 दिन पहले। अब डे टू में कौन सी टीम सेमीफाइनल से टॉप 24 में से टॉप 16 आती है फाइनल्स के लिए, वो देखना होगा। अभी सिर्फ ये 2 दिन का और बाकी है, मतलब टोटल होंगे 16 मैचेस, 4 मैचेस पर टीम और 4 दिन का टूर्नामेंट है। तो लेट्स फाइंड आउट कि कौन सी टीम एंड में जाके बाहर रह जाती है, यानी टॉप 16 के बाहर रह जाती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैच 1 में तुम लोग देख सकते हो जोन किधर बना है, पूरा का पूरा हिल पे, और स्टार्टिंग में जो काफी सारी फाइट्स है, कुछ काफी टीम्स ने सोलो फाइट लिए, कुछ टीम्स ने रश किया है, बट स्टिल ये जोन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और देखने लायक है। बिकॉज जो टीम एजेस पे है, मतलब हिल्स के नीचे है, वो किस तरह से हिल के ऊपर आती है। पहली बात तो जो टीम दूसरी साइड है वो हिल के ऊपर नहीं आ सकती विदाउट एनी व्हीकल वगैरह। सो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और तुम लोग मैप फीड में देखो भाई, चारों तरफ हिल की टीम है और एक ही टीम है जो हिल के ऊपर है। टीम जीरो के पास तुम लोग देखो कितनी अच्छी पोजिशन है जोन में भी, और सामने से बंदे भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एडिया, अरे एडी ने, अरे भाई एडी रिफ्लेक्स खा लिया भाई उधर से, मेरे को लग रहा है। बट आई गेस एडी वहां पे एक आध नॉक तो दे सकता था, बट एनीवेज जी के बीच ने हाइड्रा के डोरा ओपी को फिनिश कर दिया, और हाइड्रा भी यहां पे फिनिश हो चुकी है। अभी सिर्फ 3 टीम बची है, और अगर तुम लोग नोटिस करो तो जी और बीबी के पास सिर्फ 2-2 बंदे हैं और टीजेड के पास 3 बंदे हैं। जी का स्लग रुक के क्यों चल रहा है, और रैंडी ऑर्टन ने नॉक कर दिया स्लग को। रैंडी ऑर्टन इफ आई एम नॉट रॉन्ग टीजेड का बंदा है, और जी के पास भी अब 1 बंदा बचा है, और बीबी के पास 2 बंदे बचे हुए हैं। और तुम लोग इस व्यू में देख सकते हो कि भाई टीजेड के पास सच में बहुत अच्छी पोजीशन है, और बीबी वालों को तो पिन कर रखा है। जी का भी 1 ही बंदा बचा है। ओके, उजुमा की नॉक भी हो गया है, वो लोग मुझे लग रहा है ऊपर ही नहीं आ पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जोन के बाहर ही वो लोग फिनिश हो जाएं और टीजेड को चिकन मिल जाएगा। ओके, उजुमा की फिनिश हो गया जोन के बाहर ही। ये क्या सीन चल रहा है यार, ये बंदे बैठे हुए क्यों है, क्या कोई सर्वर ग्लिच चल रहा है या और कोई रीजन है? देखो यहाँ पे पूरा लैग हो रहा है मुझे लग रहा है इन प्लेयर्स का। वो देखो बीस्ट भी वहां रुका हुआ है, बीस्ट ने नॉक तो कर दिया। अरे ये क्या सीन था भाई, लास्ट में ये कैसा चिकन हुआ। मैच 2 स्टार्ट हो चुका है और एचएच और जीडीआर आई ही नहीं है खेलने। तो मैं आपको बता दूं पहले कि आपको लगे शायद स्टार्टिंग में किसी टीम से फाइट हो गई होगी इनकी, बट ऐसा नहीं है, ये लोग खेल ही नहीं रहे हैं। और आप लोग यहां देख सकते हो फाइनली गॉडलाइक ने डिसाइड किया कि ये लोग जॉर्जो सिटी जाने वाले हैं, और जोन पूरा का पूरा हार्ड शिफ्ट कट गया, तो वापस से रोटेशन देके जेली को वहां पर जाना पड़ेगा। और एट द सेम टाइम अगर तुम लोग बाकी टीम्स को देखो तो काफी सारी टीम्स जोन के अंदर है, सिर्फ 2 या 3 टीम जोन के बाहर है। यहां पर फर्स्ट फाइट मुझे लग रहा है हाइड्रा नहीं एफएस वर्सेस सोल होने वाला है, और एफएस के सामने गाड़ी रोक दी। ओके, मान्या को नॉक कर दिया, क्या ये सोल निकाल भी पाएगी, मेरे को मुश्किल लग रहा है सोल के लिए। ओके, एफएस के क्लच को नॉक किया, रॉनी को रिटेलिएट में नॉक कर दिया। अभी नकुल और एस्पा और बचे हैं भाई, एफएस का सिर्फ 1 बंदा बचा है। नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, एफएस तो ऑलरेडी वहां पे रुकी हुई थी। अरे यार मुझे लग रहा है ये फाइट सोल ने निकाल दी, और एफएस का सिर्फ लास्ट मैन सर्वाइविंग है, और मेरे को लग रहा है वो भी एस्पा के नेट से फट जाएगा शायद। अरे ये लो क्यों नहीं हुआ भाई, ज्यादा नेड तो मुंह पे फटा था, क्या नेड जा पाएगा, क्या ट्रेस गॉड 1v2 कर पाएगा, जो कि मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। ट्रेस गॉड पीछे भाग रहा है, मुझे लग रहा है पकड़ा जाएगा, पकड़ा गया, पीछे नहीं भागना चाहिए था आपको, वहां पे ट्राई करना चाहिए था ट्रेस गॉड की फाइट ले सको, बिकॉज वो एंगल ऐसा है कि आप पीछे भागोगे तो दिख जाएगा क्लियरली। और हेल्थ किट 4 है, बट ट्रेस गॉड ने लगाई क्यों नहीं, अभी तक लगा लेता यार। ट्रेस गॉड चोक कर दिया, ट्रेस गॉड ने हील कर लेना चाहिए था ब्रो। वहां पे स्टेज 4 का जोन कट चुका है, गॉडलाइक के पास जोन है, टीएफ ऑलरेडी जोन के सेंटर में है, एस पावर भी जोन में है, मेडल को भी पीछे से आना है, आरएनटी को भी जोन मिल गया है, अभी टीटी और हाइड्रा। वैसे देखा जाए तो बहुत कम टीम्स है, बट स्टिल बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है, बिकॉज पूरा ओपन एरिया है, 2-3 कंपाउंड है मैक्सिमम, तो अभी ओपन एरिया में आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और टीएफ के माफिया ने एस पावर को फिनिश कर दिया। ओके, अब देखो कितने सारी टीम्स की फाइट एक साथ हो रही हैं, और अगर देखो तो गॉडलाइक को भी जोन में जाना है, बट एडमिनो को नॉक कर दिया है, रेमिनेंट के सेंस ने एडमिनो को नॉक कर दिया है, फिनिश भी कर दिया है, और गॉडलाइक मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी सही पोजिशन पे नहीं लग रही है, जेली को भी नॉक कर दिया है भाई। ये तो बहुत ज्यादा लाइक खराब सिचुएशन हो चुकी है, बट आई डोंट नो गॉडलाइक के किल्स कितने हैं, बिकॉज अगर किल्स ठीक ठाक होंगे ना अभी तक तो ठीक है, बट अगर बिना किल्स के फिनिश हो गए तो फिर शायद इनको कहीं स्लैम ही कर देना चाहिए था उससे बेटर। अरे ये क्या हुआ, जॉनी पंप शॉटगन से पेल दिया भाई, WSB का कोई बंदा पंप शॉटगन चला रहा है। सिंप को भी फिनिश कर दिया, जॉनी को भी कर दिया, एडमिनो पहले से फिनिश था, अभी बचा है जेली। जेली ने एक WSB का नॉक किया, नाइस, एक और नॉक किया, 3 नॉक कर दिए, और जेली जोन के बाहर मर गया। अरे भाई ये क्या स्प्रे स्प्रे मारे क्या कुछ, मल्टीपल नॉक्स देखने को मिले जेली, ये तो देखना पड़ेगा यार पीओवी में कि लाइक हुआ कैसे ये सब, मतलब 3 बंदे हमारे ऑलरेडी मर गए थे, बट उसके बाद जेली ने क्या किया ऐसा।
एनीवेज अभी तीन टीम्स बची हुई हैं और यहाँ पर टीटी ने थोड़ा क्लोजिंग किया और टीटी को शायद जोन मिल गया है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। टीटी देखो पूरा वेट कर रही है कि थर्ड पार्टी ही करेंगे नो मैटर व्हाट, बट रेवनेंट के पास इतने सारे थ्रोएबल्स हैं ना कि वो किसी भी टीम को क्लोजिंग करने ही नहीं देंगे। अब देखो टीएफ यहाँ पे वेट करते करते जा रहे हैं। ओके पंक को नॉक किया, टीटी का भी एक नॉक है बट आई नो कि टीएफ वालों को ये लोग आने ही नहीं देंगे। टीएफ के कितने नॉक है, एक नॉक है और सेंसे राइट से जा रहा है और टीटी वाइप हो गई है। ओ भाई ओके माफिया को भी नॉक कर दिया, माफी के पास हीलिंग्स भी नहीं थी, लास्ट तक सरवाइव करने का थोड़ा सा नुकसान तो ये हो ही गया। एमजे ने एक बंदा फिनिश किया सेंसे को। अभी यहाँ पे तीन बंदे आरएनटी के वर्सेस वन, 3v1 है ये और इन एड से ही अरे नाइस आरएनटी का चिकन हो गया, वेरी नाइस। मैच 3 शुरू हो चुका है और एनटीटी वर्सेस डब्ल्यूएसबी की फाइट स्टार्ट हो चुकी है। एज यूजुअल पोचिंग की और डब्ल्यूएसबी के दो बंदे फिनिश भी हो चुके हैं। अरमान के सामने से गमला बॉय ने पुश किया और गमला बॉय ने क्या शॉट मारा है अभी। ओके अरमान को आई गेस फिनिश ही कर दिया है। अभी डब्ल्यूएसबी का सिर्फ लास्ट बंदा बचा हुआ है। आईक्यू सोल के सामने आई गेस डायनोसस भी है और आईक्यू सोल के सामने एक और टीम है एनिग्मा का सीक्रेट। आई डोंट नो एनिग्मा क्या कर रही है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा रोटेशन क्लैश है और यहाँ पे मुझे दो टीम्स दिखाई दे रही हैं शायद। अरे भाई डायनोसस को भी नॉक कर दिया, फिनिश भी कर दिया। अभी एक लास्ट बंदा बचा हुआ है आतंकी गेमिंग की टीम आरू है। ओके तो यहाँ पे आरू गेमिंग को तो भाई पूरा का पूरा नुकसान हो गया, आई गेस दो मैन लॉस हो गए और इतनी सारी गाड़ियां मैप फील्ड में देखो भाई कितनी गाड़ियां हैं और आतंकी गेमिंग के पीछे गाड़ी लगा दी है भाई। आतंकी पाजी ये क्या हुआ, ये भी भाई फिनिश कर दिया। ऊपर से एक और टीम आ गई है निगमा, लेफ्ट में ही बंदा है। अरे नॉक कर दिया, नाइस बाय रॉनी। एनिग्मा का लास्ट बंदा बचा हुआ है क्या, सीक्रेट, सीक्रेट को भी फिनिश कर दिया क्या। सीक्रेट से फाइट हो रही है बट आई डोंट नो कौन जीतेगा। बट सोल ने भाई एक और टीम आ रही है पीछे से, ये तो थर्ड पार्टी हो गई। वो बंदा रुक भी गया, गाड़ी से उतर गया, वो पीछे से डेफिनेटली स्प्रे देगा। यहाँ पे स्मोक्स तो हो रहे हैं बाय रॉनी बट वो बंदा पीछे से स्प्रे देने वाला है, मुझे क्यों लग रहा है ऐसा कि पीछे से दिक्कत होगी। ओके एफ ई का आर्यन था वो जो सोल का एक बंदा फिनिश कर दिया इस पावर को। अब बाकी टीम्स को पता चल गया है, बाकी बंदों को पता चल गया कि एक बंदा पीछे है। सोल ने आर्यन के पीछे भी गाड़ी लगा दी भाई, उनको पता है कि लास्ट बंदा है, बाकी बंदे फिनिश हो चुके हैं। अब आर्यन ने फायर किया एक किल लेने के लिए, अब मुझे नहीं लग रहा आर्यन बच पाएगा बिकॉज सोल जब चेजिंग करना स्टार्ट करती है तो ओ भाई अच्छा एक गाड़ी में दो बंदे बैठ के आ रहे हैं शायद, वो बंदा मार कैसे रहा जब तीन गाड़ियां आ रही है तो नहीं एक साथ बैठ के आ रहे थे। ओके माय बैड। और अब तुम लोग नोटिस करोगे अगर तो जो टीम एजेस पे थी वो एक दूसरे से फाइट करके काफी सारी टीम्स फिनिश हो चुकी हैं। तुम लोग देखो अब जो टीम सेंटर में है, जैसे कि आप लोगों ने देखा एच स्टार्टिंग में सेंटर में थी, गॉड लाइक सेंटर में थी, ये लोग तो बिल्कुल फाइट नहीं लिए अभी भी। जेली एनी हाउस जोन के अंदर तो लेके आ गया है, फाइव फिनिशेस भी हो चुके हैं लोगों के, बट अभी जेली स्काउट करने का ट्राई कर रहे हैं एजेस पे जो भी बंदे होंगे ना उनको एक बार चेक कर रहे हैं कि भाई कोई लेटा बना हो। और ओके जेली को एक बंदा दिख गया है और जेली को काफी लो भी कर दिया है बट बाकी के बंदे आ गए। ओके जेली के चार किल्स हैं, ओ भाई मुझे लग रहा है जेली फॉर्म में है क्योंकि लास्ट मैच भी जेली ने कुछ तो स्प्रे वगैरह मार के डब्ल्यूएसबी के बंदे उतार लिए थे और इस मैच में भी जेली के फोर फिनिशेस हो चुके हैं। आई गेस एमवीपी ऑफ द डे बन सकता है। ओके आरजी के एक बंदे ने हंटर ने अपने आप को ही नॉक कर लिया है और आरजी तो गॉडलाइक के बहुत क्लोज थी तो मुझे लग रहा है कि गॉडलाइक ने अगर रीड किया होगा तो उनको साउंड आ गया होगा उस नेड का और वो डेफिनेटली आरजी के ऊपर अब पुश कर सकते हैं थ्री मैन देख के और शायद फाइट भी हो रही है दूसरी साइड पे। ओके सिंप ने शिकारी जॉर्ड को नॉक किया, अब ये लोग आरजी के ऊपर पुश कर सकते हैं अगर किलफिड रीड किया होगा तो। अब वो डिपेंड करता है कि किलफिड रीडिंग कितनी अच्छी है टीम की, मुझे लग रहा है ये लोग पुश कर रहे हैं। ओके ये लोग आरजी के ऊपर पुश कर रहे हैं, दो बंदे जा भी चुके हैं बट ये एंटिटी के साथ भी फाइट हो सकती है तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। गाड़ी घुमा के देख लिया सिंप ने और सिंप थोड़ा फॉल बैक कर रहा है, जोन के साथ ही खेलने का डिसीजन लिया होगा अब राइट, क्योंकि इनको पता चल गया वहाँ पे दो तीन टीम है तो एक बहुत अच्छा डिसीजन है वहाँ पे। अगर एनी हाउ आरजी को फिनिश भी कर देंगे ये लोग तो एंटिटी पुश कर देगी विच ऑब्वियसली दे डोंट वॉन्ट। पीछे से एंटिटी पुश कर रही है आरजी के ऊपर, एक नेड पिन किया पुकार ने, क्या नेड जाएगा शिकारी जोड़ के ऊपर। ओके एंटिटी के भी ऊपर पुश आ गया, एडमिनों ने शिकारी जोड़ को दोबारा नॉक कर दिया, क्या पुश होगा कि नहीं होगा। ओके वाइपर को भी नॉक कर दिया, अब आरजी का लास्ट बंदा बचा इमॉर्टल और यहाँ पे एक किल एंटिटी को मिला और दो किल आरजी के, आई गेस गॉडलाइक के पास जा चुके हैं। ओके एंटिटी का पुकार भी जोन के बाहर नॉक हो गया। जेली को किसको नॉक किया, जेली को नॉक किया क्या, एडमिनों ने एक नॉक किया। ओके जेली को नॉक किया उन्होंने। नाउ इट्स ओजी एंटिटी वर्सेस गॉडलाइक, तो मुझे क्यों लग रहा है कि ये गॉडलाइक का चिकन आ सकता है बिकॉज ओजी जोन के बाहर है, अगर रैव देके प्रॉपर राइट वाली जगह पकड़ ली। ओके जॉनी जा भी रहा है,
वेरी नाइस nice. जोन में अगर राइट का एरिया पकड़ लिया तो किसी को नहीं आने देंगे जोन में. चल जॉनी एक प्रॉपर जगह पकड़ ले बस. नाइस nice. अब यहाँ से ये लोग ओजी वालों को नहीं आने देंगे मेरे को ऐसा लग रहा है. एंटिटी का तो आई गेस लास्ट बंदा बचा हुआ है, वो भी बाहर ही टॉय बचा हुआ है. ओजी का एक बंदा नॉक किया, एक ग्रेनेड किया. क्या ये नेड जाएगा? वैसे जॉनी की नेड और डैमेज दिया. जॉनी की नेड जाते तो सही है, बट जॉनी को अगर पोजीशन ही नहीं पता होगी तो बेचारा नेड कैसे डालेगा. सिंप ने एंटिटी के टॉय को फिनिश कर दिया और अभी जेली और मेरे को लग रहा है गॉडलाई की चिकन निकालने वाली है. विथ 10-11 फिनिशेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चार बंदे बचे हैं ओजी के. वैसे नाउ इट्स 4-4 बट ओ नाइस, सिंप ने एक और नॉक किया, फिनिश भी कर दिया शायद, नहीं फिनिश नहीं किया. अभी एक और नॉक कर दिया विजगॉड को. नाइस, एकेओपी को भी नॉक कर दिया. क्या लास्ट बंदा बचा हुआ है? अभी सिंप को नॉक किया, एकेओपी बचा हुआ है लास्ट बंदा. अच्छा लास्ट बंदे की पोजीशन ही नहीं पता इन लोग को. अच्छा ड्रिगर बचा है, एकेओपी को भी फिनिश कर दिया. चल रैप दे दो भाई उसको. ओके स्पॉट हो गया, वो जोन के बाहर से फायरिंग कर रहा था. नाइस वन, नाइस वन. क्या चिकन मार रहा है अभी जोन. आप लोग देख सकते हो काफी सारी टीम्स जोन के बाहर हैं, और अगर आप एजेस पे देखोगे तो ओजी, गॉडलाइक और सोल आने वाली टीम्स को गेट कीप कर सकते हैं अगर प्रॉपर पोजीशन लेकर बैठ जाएं तो. सो लेट्स सी कि ये लोग पूरा सेंट्रलाइज घुसेंगे या फिर थोड़ा सा एज पे ही प्रॉपर पोजीशन लेते हैं, क्योंकि किल्स तो यहाँ से बहुत मिलने वाले हैं. अब ऐसे जोन में प्रॉब्लम ज्यादातर पता है क्या होती है, जो टीम एजेस पे होती है उनको जोन में जाना होता है, और जितनी ज्यादा टीम एजेस से जोन में जाती है उतना ज्यादा रोटेशन क्लस्टर होता है, और रोटेशन में काफी सारी टीम्स फंस जाती है. तो उस टाइम पे आपकी रोटेशन स्ट्रेटेजी काम आती है, आपका जो गेम सेंस है, आपकी जो एक्सपीरियंस है वो काम आता है कि आप किस तरह से रोटेट करवा सकते हो. इसीलिए अगर तुम लोग देखोगे नीचे की साइड पे तो काफी सारी टीम्स रोटेशन क्लैश ले रही हैं अभी. ओके जैली ने WSB का एक बंदा नॉक किया, और मेरे को लग रहा है गॉडलाइक अभी तक तो जोन में, हाँ जोन में दिखाई दे रही है. ओके गॉडलाइक एकदम से जोन के बाहर हो चुके हैं, और 130 मीटर इनको जोन में जाना है, बट सामने वाला बुश जो है, जो शेक ओपन शेक है, वो मेरे को लग रहा है जोन में ही है. देखो शायद ही मार्क लगा के चेक कर रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो एडमिनों ने मार्क लगा के चेक भी कर लिया कि कौन सी जगह जोन में है, बट द प्रॉब्लम इज कि सामने WSB भी है. वैसे तो जोन में जा सकते हैं, WSB का एक बंदा फिनिश कर दिया इन लोगों ने. अगर एक बंदा और नॉक देते हैं तो ये डायरेक्टली पुश भी कर सकते हैं, और रेडियन को नॉक भी कर दिया है, और शायद ये लोग पुश कर रहे हैं अब पता नहीं, पर अभी इतना दूर अगर पुश करेंगे तो बहुत डिले हो जाएगा, क्योंकि मेरा मार है और वो लोग आएगी 200-250 मीटर दूर तो है. वैसे तो सब लोगों ने पुश कर दिया है, बट क्या ये फाइट को अच्छे से कन्वर्ट कर पाएंगे? सिंप ने गाड़ी घुमाकर शायद देख लिया है वहां पे कोई बंदा है, और बंदे आए, जेली ने भी गाड़ी घुमाया, सिंप ने उतर के दोनों को दे दिया. ओ भाई मतलब वो बंदा रिवाइव होने से पहले इन लोगों ने पुश कर दिया, बट इनकी पोजीशन थोड़ी सी खराब है लग रही है मुझे, क्योंकि पीछे से एक टीम आ रही है, इनको डिफेंड करना होगा भी अच्छे से. IQ सोल के पास जोन नहीं है, बट IQ सोल ने डायरेक्टली मेरे को लग रहा है स्लैम कर दिया वेयर हाउस पे. अरे बाप रे, घुस गए अंदर की तरफ. भाई 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 ये क्या स्लैम है भाई, सीधा अंदर गाड़ी घुसा के नॉक फिनिश. अभी मेरे को लग रहा है रॉनी को रिवाइव मिल रहा है, आराम से मिल जाएगा रिवाइव. और एक बंदा बाहर गया, 1v1 ले लिया इस पावर ने. नाइस नॉक फिनिश भी कर दिया शायद, और बंदे कोशिश कर रहे हैं वेयर हाउस में घुसने की, बट IQ सोल प्रॉपरली डिफेंड कर रही है. एंटिटी के गमला बॉय को भी नॉक किया और फिनिश भी कर दिया. एंटिटी के पुकार को भी नॉक कर दिया, बट राइट में टॉय बैठा था, टॉय ने दो नॉक कर दिया शायद. टॉय को भी फिनिश कर दिया, टॉय ने दो नॉक कर दिए थे मान्या एंड पावर, और मान्या को फिनिश भी कर दिया टॉय ने इतना जल्दी. बट प्रॉब्लम सोल के लिए है कि सोल को स्टिल जोन के अंदर जाना है, और कोई भी कंपाउंड नहीं है, पूरा ओपन ग्राउंड है जोन के अंदर. अभी सिर्फ जॉनी बचा हुआ है, और सोल के पास जोन तो नहीं है, बट आगे पूरा एरिया क्लियर है, वो रिज ले सकते हैं आराम से जाके सोल वाले. ओ भाई जॉनी ने नीड किया इतना दूर से, भाई कहाँ से नीड किया इस बंदे ने. एक और नीड किया, जी का 20 भी फिनिश कर दिया, एल्फ आर्किलिन को भी फिनिश कर दिया. अभी जी का निंजा बॉय बचा हुआ है बस अकेला, जॉनी अकेला दो बंदे खा गया जी के. बीस्ट भी बचा हुआ है, बीस्ट को भी फिनिश कर देगा, नहीं तीन बंदे खा गया शायद. स्लग को फिनिश कर दिया, आई गेस स्लग का किल जॉनी का था, किसी और ने ले लिया, सोल ने ले लिया. यहाँ पे क्या सीन है भाई, इट्स ये चौथा बंदा कौन है राइट में, ऑरेंज वाला कौन है, और ये जॉनी पैन मार रहा है बीस्ट को. खैर वो कुछ भी कर सकता है भाई, वो जॉनी है. ओके जॉनी का फुट आ गया शायद रॉनी को, और जॉनी का एक नेड गया, उधर से भी एक नेड आया. भाई रॉनी कितना कम HP बचा है ब्रो, स्टिल ही इज डूइंग नेड्स. जॉनी भी काफी लो है, नॉक कर दिया रॉनी को. भाई चल जॉनी थोड़ा सा आगे बढ़ के खेलना, बट उसको पता नहीं है यार, उसको लग रहा है लेफ्ट में कोई बंदा हो सकता है. अगर उसको भनक हो जाएगी लेफ्ट में कोई बंदा है. ओके आगे जा रहा है, माय बैड. जॉनी उधर से नेड कर सकता है आराम से मुझे लग रहा है, और फिर उसके बाद बचेगा जी वर्सेस
गॉड लाइक निंजा बॉय क्यों तंग कर रहे हो भाई नेड मारने दो एक प्रॉपर उधर से भी एक नेड आया अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं चल नेड नेड एक प्रॉपर नेड अगर अंदर गया सेंटर में तो तीनों बंदे फटेंगे थोड़ा सा पीछे जा चुका है जॉनी एक नेड यार वो फटा फटेंगे फटेंगे अबे वो बच कैसे गए अरे भाई वो नेड पीछे गया थोड़ा सा अबे क्या नेड आया पुश नहीं करना पुश नहीं करना था बट निंजा बॉय के पास जोन भी नहीं है और थ्रोएबल्स भी नहीं है बट नाइस ट्राई निंजा बॉय ओ भाई जॉनी का एक नेड लगता तो ये तो 1v3 ही हो जाता है यहाँ पे नेड से भाई मैच 5 का 6 जोन खत्म होने वाला है चार टीम्स अलाइव है और आरजी के पास एक शैक है और जोन आरजी से थोड़ा सा आगे कटा है बस अब मैं क्यूरियस हूँ देखने के लिए कि आरजी के 3 मैन इतना ज़्यादा सर्वाइव करके जोन में कैसे आ गए चलो आ गए बट अब ये आगे कैसे कन्वर्ट करते चिकन में बिकॉज इनके पास जोन है और अगर स्प्रे गॉड के ऊपर एक नेड गया तो कन्वर्ट हो सकता है बट उधर से आरएनटी ने भी 2-3 बंदे फिनिश कर दिए टीटी को वाइप कर दिया आरएनटी ने वन साइडेड अब आरएनटी के पास 3 मैन है आरजी के पास 2 मैन है और हाइड्रा का सिर्फ एक बंदा बचा हुआ है तो मुझे लग रहा है कि या तो आरएनटी या फिर रेकनिंग अगर आरएनटी को जोन में नहीं आने देगी तो पर आरएनटी एनीहाउ जोन में आ जाएगी सिर्फ 10 मीटर ही तो जोन आगे है जोन स्टार्ट हो चुका है अब स्प्रे गॉड को भी जोन में आना है रेकनिंग को भी थोड़ा सा आगे आना है रैकनिंग हाइड्रा के स्प्रे गॉड की वजह से वो शैक छोड़ ही नहीं पाए भाई अगर राइट क्लियर होता है तो रैकनिंग थोड़ा सा आगे आ जाती है बट अभी दोनों टीम्स को जोन में आना है और मुझे लग रहा है कि आरएनटी बड़े आराम से चिकन निकाल के लेके जाएगी आरएनटी के पास अगर और व्हीकल्स होंगे ना तो आरएनटी जोन के बाहर मतलब लाइक व्हीकल रन ओवर कर सकती है बट हाइड्रा को बंदा फिनिश हो चुका है एक्वानॉक्स को स्पॉट कर लिया इमॉर्टल को नॉक कर दिया नेड करके फिर गाड़ी में बैठा बैठा नेड कर रहा है भाई इमॉर्टल को भी नॉक कर दिया All dead. Last match of the day, match 6 TX versus Windgod हुआ था. Last match of the day और starting में हमें वापस से Windgod और TX की fight देखने को मिल गई है और जिसमें TX का एक बंदा finish और एक बंदा knock हो गया. Sarang, जो main assaulter है. अभी Ninja God बचा और Spray God बचा और Spray God ने एक knock किया. ओ भाई, Windgod ने fight निकाल ली है. One sided वो भी. मतलब एक भी बंदा finish नहीं हुआ है. Very nice. 5 का सर्कल चल रहा है और भाई बहुत ज़्यादा इंटेंस हो रहा है अभी सब कुछ बिकॉज स्टिल 9 टीम्स अलाइव हैं और स्टार्टिंग के कुछ सर्कल के बाद तो टीम मतलब फिनिश होना ही बंद हो गई है और गॉडलाइक के पास तुम लोग देख सकते हो एक प्रॉपर हिल है बट द प्रॉब्लम इज कि अब इस हिल से नीचे भी जाना है तो गाड़ी वगैरह जंप करवाएंगे तो भाई नीचे आने से पहले ही जो टीम्स हैं लाइक सामने टीजेड देख सकते हो नीचे WS भी देख सकते हो ये टीम्स में कोई ना कोई उतार देगा तो अब या तो जोन स्टार्ट होने से पहले पीछे से नीचे उतरेंगे समझ रहे हो यही एक ऑप्शन है अगर जोन के साथ जाएंगे तो फिर आगे से ही नीचे जंप करना पड़ेगा तो आई गेस साइड में लोग पीछे जा रहे हैं तो मुझे लग रहा है ये लोग पीछे से नीचे जंप करने वाले हैं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है गॉडलाइक ने डायरेक्ट मेडल के ऊपर पुश कर दिया बिकॉज गॉडलाइक के पास अभी स्पेस नहीं था खेलने के लिए मेडल के ऊपर पुश किया है किसी और टीम के ऊपर पुश किया नहीं मेडल तो सेफ बैठी है ये कौन सी टीम है विंडगॉड के ऊपर पुश कर दिया है अभी ने सिम को नॉक किया है अभी को फिनिश कर दिया जेली भी जोन के बाहर है और सिम को शायद रिवाइव मिलेगा या सिम भी जोन के बाहर है तो मेरे को नहीं लग रहा जेली तो चलो किसी और ने फिनिश ले लिया अभी ओके सिम को रैव मिल गया अभी 3 मैन है वेरी नाइस काफी अच्छी पोजीशन तो निकाल सकते हैं बट स्टिल वेरी हार्ड बिकॉज चारों तरफ से भाई फायरिंग हो रही है री गॉड भी नॉक भाई इट्स गोना बी हार्ड अब देखो यहाँ पे स्मोक का पाथ बना के सामने पुश तो किया जा सकता है बट स्टिल लेफ्ट राइट से बहुत गलत पड़ने वाली है टिम्प वापस से नॉक हुआ अब तो भाई 25 सेकंड है गॉडलाइक और इनके 5 किल्स हैं ओके तो हिल का एरिया तो इनके पास था बट वहां से ज्यादा किल्स निकाल नहीं पाए गए बिकॉज ज्यादा टाइम मिला नहीं खेलने को तुरंत हार्ड शिफ्ट आ गया एडमिनो ने 2 नॉक कर दिए अरे एडमिनो को फिनिश कर दिया चलो एडमिनो को भी फिनिश कर दिया WSB के 2 बंदे नॉक कर दिए थे बट एडमिनो ने और मेरे को लग रहा है ये 2 किल तो मिल ही जाएंगे एडमिनो को भाई उस बंदे ने जोन के बाहर से 2 बंदे नॉक कर दिए देखो WSB का अरमान जोन के बाहर और हाइड्रा पे डायरेक्ट स्लैम करने की कोशिश डायनोसस की बट सक्सेसफुली नहीं कर पाए वो चीज एस पावर बहुत लो है एस पावर को फिनिश कर दिया ओके नाउ इट्स हाइड्रा वर्सेस टीम आरू और टीम आरू पूरा बैकफुट पे है सिर्फ 2 मैन है हाइड्रा के 3 बंदे हैं बट लेट्स सी जोन भी जाना है 40 सेकंड में अगर कोई एक आध नॉक निकलता है बट इनके पास तो थ्रोएबल भी नहीं है ओके उधर से स्पर्श ने नॉक निकाला अब मुझे लग रहा है ये हाइड्रा निकाल लेगी आतंकी गेमिंग लास्ट बचे बट आतंकी गेमिंग कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ पे बिकॉज मॉली भी कर दी और 3 बंदे डायरेक्ट पुश कर रहे हैं भाई
और ये क्या नॉक दिया है तंकी ने, नाइस, ऑल डेड, वेरी नाइस। अबे ये किसने चिकन निकाला, मुझे लगा हाइड्रा ने चिकन निकाला है भाई। WHB का एक बंदा जोन के बाहर था और हाइड्रा के लास्ट बंदे को उस बंदे ने जोन के बाहर से ही फिनिश कर दिया। वाह WHB, नाइस। डे टू पे ओवरऑल स्टैंडिंग देख सकते हो, ओरेंगटन रेवेनेंट आईक्यू सोल टीम 0, गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स रैकनिंग WHB मेडल, और टॉप 16 में और कौन है पेज 2 पे जाकर पता चलेगा। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स फ्रीक्वेंसी ईस्पोर्ट्स टीम फॉरएवर टीटी टीम एक्सपा कार्निवल टीम आरू एंड हाइड्रा अब जो टॉप 16 में नहीं है वो है अलीबाबा FS HH एंटिटी बिग ब्रदर विंड गॉड U4G एंड गॉड्स रेन। बाकी की हम टीम्स नहीं देखने वाले हैं फिलहाल के लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे कल की वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड आई एम साइनिंग ऑफ।